नमस्कार, मैं कृष्णा शांतिधाम लेस्टर के योग सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद, मन को शांत अस्थिर करें, सहज करें। अपने आप को आज के योगाभ्यास के लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार करें। मन ही मन उस ईश्वरीय चेतना का स्मरण करें जिनकी कृपा से हमारा जीवन चल रहा है, हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है। उसी ईश्वरीय चेतना का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चार, इनहेल इनहेल लास्ट टाइम इनहेल एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चार, इनहेल ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। द्रव्य भूताम मसाजों पे रिलीज एंड रिलैक्स। चलिए कपालभाति करेंगे। पाम्स ऑन योर नीज, एल्बो वाइडली ओपन, शोल्डर रिलैक्स, बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, इनहेल एक्सहेल, इनहेल कंप्लीट एक्सहेल एंड स्टार्ट योर स्ट्रोक्स।
लास्ट 2 मिनट्स कंटिन्यू। लास्ट टाइम रिलैक्स, डीप इनहेल, चिन टू चेस्ट लॉक, होल्ड योर ब्रीदिंग साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चिन अप एंड रिलैक्स। वंस अगेन इनहेल, लॉक योर चिन, होल्ड योर ब्रीदिंग साइड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, चिन अप एंड रिलैक्स। खड़े हो जाएंगे। नेक अप एंड डाउन, इनहेल, नेक अप, एक्सहेल, डाउन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, साइडवेज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लुक अप, स्ट्रेच यू आउट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रब योर बोथ पाम्स, मसाज योर थोड़ा पर।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स रिलैक्स, दोनों हाथ अपनी कमर पे, या फिर आप वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं. एक हैंड वॉल सपोर्ट ले ले तो भी चलेगा, सब एक्सरसाइज अभी करनी है हमें, पैर से तो सपोर्ट लेके भी करनी है. ठीक है, पहले हम करेंगे हील अप एंड डाउन. इनहेल करते हुए आप, एक्सहेल करते हुए डाउन. 1, 2, 3, 4. पूरा स्ट्रेच करें, अपने टॉप पे आने की कोशिश करें. 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स रिलैक्स, अपने पंजे फुट को ए शेप में करिए, टो टच, पीछे से हील ओपन, ए शेप. ठीक है, इनहेल करते हुए हील अप, एक्सहेल करते हुए डाउन. सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं. 1, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. आगे से टो ओपन नहीं होंगे, हील अप ही होंगी खाली. 2, हील अप करें, टो को क्लोज ही रखें. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. वी शेप करें, हील टच, टो ओपन. ठीक है, हील अप एंड डाउन करेंगे. ट्राई करें हील ओपन नहीं हो, ऊपर करते समय हील को ओपन नहीं करें, ट्राई करें. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. फील करें अपने पैर में, मसल्स में कहाँ पे स्ट्रेंथ स्ट्रेच आ रहा है. 2, सारी एक्सरसाइज आपके पूरे पैर के मसल्स को स्ट्रेंथन देंगी, स्ट्रेंथ देगी. 3, हेमा मैम ट्राई, हील ओपन नहीं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. रिलैक्स. ठीक है, लेग्स को इनहेल करते हुए फॉरवर्ड, एक्सहेल करते हुए बैक. अपर बॉडी को आगे पीछे ज्यादा झुकाना नहीं है, लेग जितना जाता है उतना छोड़े. नी स्ट्रेट रखें, टो को स्ट्रेच रखें आउटसाइड. ठीक है, चलिए स्टार्ट. 1, फ्रंट एंड बैक. 2, 3, 4, 5, 6. नी स्ट्रेट है मैम, टाइट रखिए लेग को. 7, 8, 9, 10. बैक साइड होल्ड करें, लेग को बैक साइड होल्ड करें, टो को स्ट्रेच, नी स्ट्रेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सेम लेग साइडवेज करेंगे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. 1, जितना हो रहा है ऊपर लेग को किक करें, नी को स्ट्रेट रखें, ओपन करें. 2, 3, 4. इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे. 6, 7, 8, 9, 10. लेग चेंज करें, अदर लेग, फ्रंट एंड बैक. इनहेल फ्रंट, एक्सहेल बैक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड होल्ड बैक साइड, टो स्ट्रेच आउटसाइड, नी स्ट्रेट, अपर बॉडी स्ट्रेट रखे, आगे नहीं झुकाए. 1, 2, अपर बॉडी को सीधा करें. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लेग साइडवेज ओपन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, साइडवेज ओपन करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. रिलैक्स. ठीक है, हिप रोटेशन करें, हिप रोटेशन. इनहेल
आगे एक्सेल पीछे, हेमा मैम हिप डिस्टेंस कर लीजिए, लेग में हिप लेवल डिस्टेंस, और थोड़ा और डिस्टेंस करें। स्टार्ट, 1, मैक्सिमम आगे और पीछे हिप से बड़ा सर्कल बनाना है, 2, स्मूथली, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स, लेग्स जॉइंट, दोनों नी को फोल्ड करें, नी से सर्कल करें, ठीक है, नी से सर्कल, 1, घुमाइए नी को चारों तरफ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, रिलैक्स। चलिए ताड़ासन करेंगे, लेग्स जॉइंट, इनहेल, बोथ हैंड्स अप, फिंगर इंटरलॉक, रिवर्स, हिल अप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ब्रीथ नॉर्मल, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स, रिलैक्स। तिर्यक ताड़ासन करेंगे, वन हैंड फॉरवर्ड, अदर हैंड स्ट्रेच, इनहेल, एक्सहेल करते हुए साइड बैंड, जो आपका हाथ आपने सामने रखा है उसके ऑपोजिट साइड करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मोर डाउन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ऊपर वाला हाथ कान को टच, एल्बो स्ट्रेट, 17, 18, 19, 20, इनहेल अप, एक्सहेल रिलैक्स, हैंड चेंज, शोल्डर लेवल रखें हाथ को, हाथ सामने है हेमा मैम, फॉरवर्ड फॉरवर्ड करें, हाँ, 1 डाउन, एक्सहेल डाउन, 2 होल्ड करें, ऊपर वाला एल्बो स्ट्रेट करें, 3, हेमा मैम पाम्स को सामने कीजिए, नीचे वाले हाथ के पाम्स को सामने, ऊपर नहीं सामने की तरफ, ऐसे ऐसे साइडवेज सामने, 4, हाँ, हाथ को पाम्स को, 5, हाथ सीधा रखिए शोल्डर लेवल, 6, शोल्डर ले, हाँ, 7, डाउन 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 साइड बैंक, 8, रॉन्ग है, 9, 10, 11, 12, सामने रखिए हाथ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इनहेल कम अप एंड रिलैक्स, ओके, फिंगर इंटरलॉक, पाम आउटवर्ड, शोल्डर लेवल, इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड टर्न, कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे, आपके टोज 90 डिग्री फॉरवर्ड, टोज मूव मूव नहीं होने चाहिए, नी स्ट्रेट, बैक बैक स्ट्रेट रखिए मैम, पीछे झुकना नहीं है, बैक को स्ट्रेट रखे, कमर से ट्विस्ट कीजिए, बैक स्ट्रेट रखिए, 1, कम ऑन, 2, होल्ड करें, 1 साइड, 2, 3,
पाम्स अपवर्ड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Inhale, center. Exhale, other side. पाम्स आउटवर्ड रखना है, पाम्स को बाहर की तरफ खींचिए, हाथों को खींचिए शोल्डर से पूरा, एल्बो स्ट्रेट, हाँ टर्न साइड, चलो टर्न, हाँ वन ट्विस्ट कीजिए, टू मैक्सिमम ट्विस्ट, थ्री फोर फाइव, हाथ ऊपर है मैम, हीना मैम हाथ ऊपर स्ट्रेच करी दो, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी. इनहेल सेंटर एंड रिलैक्स. ओके चलिए त्रिकोण आसन करेंगे, लेग्स अपार्ट, 3 से 3.5 फीट का डिस्टेंस कर ले दोनों लेग के बीच में, राइट टो 90 डिग्री राइट साइड, लेफ्ट 45 इन साइड, दोनों हील इन वन लाइन. हेमा मैम और बढ़ाइए डिस्टेंस, बढ़ाइए अभी 2 फुट ही है, और 3 से 3.5 मैक्सिमम करिए डिस्टेंस, मैक्सिमम हील इन वन लाइन, दोनों हील एक ही लाइन में, राइट टो 90 डिग्री राइट साइड, लेफ्ट 45 इन साइड. ठीक है, इनहेल बोथ हैंड शोल्डर लेवल, एक्सेल अपनी जो हिप है उसको पहले पुश कीजिए, हिप को पुश कीजिए एंड देन डाउन मोर डाउन, यस वन जाइए नीचे, टू थ्री अपर बॉडी हिप की लाइन में, फोर ऊपर अपनी मिडल फिंगर को देखना है, पाम्स खोलिए मेरी तरफ, हेमा मैम पाम मेरी तरफ, ऊपर वाला मेरी तरफ कीजिए पाम्स को, माई साइड, हाँ फाइव सिक्स सेवन नी स्ट्रेट बोथ, एट नाइन भले नीचे ज्यादा नहीं जा पाए, नी स्ट्रेट रखना है, टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी. इनहेल अप एक्सहेल रिलैक्स, नीचे ज्यादा नहीं जा पाते कोई बात नहीं, नी को स्ट्रेट रखना है और अपर बॉडी हिप की लाइन में, ठीक है, ऊपर देखना है अपनी मिडल फिंगर को, ऊपर वाले हाथ की मिडल फिंगर को, अपने शोल्डर और अपनी वेस्ट चेस्ट को ओपन अप करना है, पूरा ट्विस्ट करना है पेल्विक रीजन को. ठीक है चलिए, इनहेल हैंड्स इन शोल्डर लेवल, साइड चेंज करेंगे अदर साइड, एक्सहेल पहले अपनी हिप को पुश कीजिए बाहर की तरफ, जागृति मैम दिखाइए पहले कैसे बाहर की तरफ पुश करना है, डायरेक्ट नीचे नहीं जाना है, इनहेल पुश कीजिए ऑपोजिट साइड, हिप को ऑपोजिट साइड बाहर की तरफ निकालिए जागृति मैम, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हिप को पहले पुश करना है, ये है हमें जाना है लेफ्ट साइड, ठीक ठीक है, लेफ्ट नो मेरा 90 डिग्री है, तो ये हिप है उसको राइट साइड पहले पुश आउटसाइड पूरा बाहर निकाले, देन डाउन, ये पूरा हाथ है, फिर खींचिए अपनी बॉडी को आगे खींचिए और नीचे जाइए, हाँ यस यस डाउन, यस टू थ्री लुक अप, हेमा मैम ट्विस्ट कीजिए बॉडी को थोड़ा ऊपर पीछे की तरफ लीजिए, फोर अपर बॉडी को पीछे की तरफ लीजिए हेमा मैम, फाइव यस 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 परफेक्ट, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन शोल्डर इन वन लाइन, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी. इनहेल अप एंड रिलैक्स. ठीक है, नेक्स्ट इज कोणासन, राइट टो 90 डिग्री राइट साइड, लेफ्ट 45 इन साइड,
हैंड्स इन शोल्डर लेवल, एक्सहेल नी बैंड राइट नी बैंड, सेम हैंड सेम लेग, डाउन अदर एंड अप, लुक अप, अपनी अपर बॉडी को अपनी हिप की लाइन में पीछे पुश करना है, हिप डाउन वन, हेमा मैम लेग का डिस्टेंस बढ़ाइए, नीचे जाइए, हिप नीचे कीजिए, पीछे वाला लेग को और डिस्टेंस बढ़ाइए, नीचे जाइए, नीचे पीछे वाला लेग स्ट्रेच कीजिए, और स्ट्रेच कीजिए लेग में, डिस्टेंस मोर डिस्टेंस, फाइव सिक्स हिप डाउन, सेवन हीना मैम थोड़ा और नीचे हिप डाउन, एट हाँ नाइन टेन, लुक अप हेमा मैम, इलेवन ट्वेल्व मिडल फिंगर, फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, इनहेल अप एक्सहेल रिलैक्स, साइड चेंज, लेफ्ट टो 90 राइट 45 इनसाइड, इनहेल, अपनी जो अपर बॉडी है ना वो नीचे जाके आपके जो नीचे 90 डिग्री लेग आपने फोल्ड करके रखा है उसको टच होनी चाहिए अपर बॉडी, तो आपके दोनों साइड में स्ट्रेच और प्रेशर दोनों आएगा। एक्सहेल डाउन, सेम हैंड डाउन अदर हैंड अप, हैंड्स इन वन लाइन, शोल्डर इन वन लाइन, यस लुक अप, हेमा मैम नीचे जाइए, आप पीछे वाला जो लेग है उसको और स्ट्रेच कीजिए, लेग में डिस्टेंस बढ़ाइए, हाँ और वन हिप डाउन अपर बॉडी पीछे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, इनहेल कम अप एंड रिलैक्स, हेमा मैम डिस्टेंस और बढ़ाना है पैरों का तो ही प्रॉपर अलाइनमेंट आएगा, अगर आप नीचे नहीं जा पा रहे हैं ब्लॉक रख दीजिए, कुशन रख दीजिए पैर के आगे, ब्लॉक भी रख सकते हैं हाथ के नीचे रखने के लिए, ठीक है आप ब्लॉक भी रख सकते हैं, डायरेक्ट नीचे नहीं जा पा रहे हैं ब्लॉक या कुशन भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें वेरिएशन करेंगे, जैसे नीचे गए थे सेम जाना है, हैंड अबव योर हेड, पूरा बॉडी ट्राइंगल ऐसे वन लाइन, एक ऐसे स्लांट के से एक पट्टी होती है वैसा पूरा अलाइनमेंट आपका आना चाहिए, वन लाइन पूरा टो टू थंब, ठीक है चलिए इनहेल एक्सहेल डाउन और ब्रीद इन नॉर्मल, होल्डिंग में ब्रीद नॉर्मल, वन हैंड अबव योर हेड, हेमा मैम अपने कान को टच कीजिए, हाथों को ऊपर वाले हाथ को कान को टच करवाइए, हैंड अबव योर हेड, हाँ यस टू थ्री, हीना मैम कान ने हाथ ने कान नहीं पाछल ले जाओ, एल्बो स्ट्रेट करो, हाथ ने ऊपर करो स्ट्रेट सीधो, हजी थोड़ा ऊपर करो हाथ ने, हाँ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, इनहेल अप चेंज अदर साइड, कान को टच हाथ रखना है लेकिन नीचे नहीं जाने देना है, स्ट्रेट अपना हाथ ऐसा स्ट्रेट दिखना चाहिए पूरा, ठीक है चल, आपको फील होना चाहिए कि ऊपर से आपके साइड में पूरा स्ट्रेच आ रहा है साइड में, चलिए चेंज योर साइड, इनहेल एक्सहेल डाउन, पाम टच, अपनी पाम की फिंगर और लेग की फिंगर एक ही लाइन में, हेमा मैम लेग पीछे लीजिए 90 डिग्री नी बेंड कीजिए, वन टू थ्री डिस्टेंस बढ़ाइए हेमा मैम, फोर और बढ़ाइए पहले, फाइव सिक्स सेवन ऊपर वाला एल्बो स्ट्रेट, एट हाँ नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व अपर बॉडी ट्विस्ट कीजिए ऊपर की तरफ देखिए ऊपर, थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी,
20, इनहेल अप, रिलैक्स। लास्ट वेरिएशन इसमें देखेंगे, ट्विस्ट करना है। अभी क्या करेंगे देख लीजिए, पहले जागृति मैम को तब तक आप रिलैक्स कीजिए, लेग को रिलैक्स कीजिए। दो वेरिएशन इसमें दिखा दी हूँ, बिगेनर्स मतलब जिससे नहीं होता है उसके लिए, और जिनसे होता है उसके लिए। पहले इनहेल बोथ हैंड शोल्डर लेवल, एक्सहेल नी बेंड, अपर बॉडी को ट्विस्ट करें, पीछे वाला नी टच कर दीजिए, पहले पीछे वाला नी आपका टच कर दीजिए, ठीक है। नी टच करके अपनी जो आर्म पीट है, अपनी आर्म पीट को क्रॉस करवाइए अपने नी से, एंड देन जागृति मैम ये साइड बताइए, नमस्कार मुद्रा ये साइड बताइए। पीछे वाला नी टच किया, पूरा टो को फ्लैट भी रख सकते हैं, टो पे भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी अपनी आर्म पीट को क्रॉस करवाइए अपने नी पे, और दोनों एल्बो इन वन लाइन, नमस्कार मुद्रा। अभी इसमें होल्ड करना है, अभी इसमें जो नहीं कर सकते हैं वो ये करें, कर सकते हैं वो पहले ऐसे पोजीशन ले ले, बाद में टो पे आके नी को अप कर दे। जो लोग कर सकते हैं देख लीजिए कैसे करना है। पहले नी आपने टच किया है, नी टच किया है, जागृति मैम नीचे नी टच कर दीजिए पहले, ठीक है। अभी इसमें पहले ये पोजीशन में आप पोजीशन ले लीजिए, फिर टो को टक करें और बैलेंस करते हुए नी को धीरे से अप करें, हो सकता है तो, नहीं तो नी पे होल्ड करें, ठीक है। चलिए आ जाइए पोजीशन में। यस हेमा मैम, पीछे वाला लेग स्ट्रेट करिए, पीछे आपका स्लांट जाला है, लेग लेग, हाँ। 1, 2, 3 क्रॉस करवाइए, पहले क्रॉस करवाइए एल्बो हेमा मैम। 4 ट्विस्ट कीजिए, अपर बॉडी ट्विस्ट कीजिए। 5 अपर बॉडी को घुमाइए, हाँ। 6 एल्बो टच कर दीजिए नी पे। 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स हेमा मैम, आपका रॉन्ग था अलाइनमेंट, पहले आप देख लीजिए कैसे करना है। नी पे जो नी आपका बैंड है वो 90 डिग्री रखना है आगे, पहले आपका आगे वाला लेग आगे चला गया था, वो 90 डिग्री रखना है, पहले देख लीजिए। हीना मैम ममना नहीं करता, 1 मिनट जागृति मैम दिखाइए। हीना हेमा मैम आप देख लीजिए, पहले आगे वाला जो नी है ना वो 90 डिग्री रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं। फिर पीछे वाला लेग कैसे, जैसे हम अंजनी आसन करते हैं ना, सूर्य नमस्कार का 4 स्टेप। अभी आप एल्बो आप हवा में रख रहे थे तो कैसे आपका बैलेंस रहेगा, एल्बो को टिका के रखना है अपनी नी के ऊपर, क्रॉस और ऑपोजिट ऑपोजिट ऑपोजिट, हाँ। ट्विस्ट कीजिए ट्विस्ट कीजिए, सीधा नहीं प्लान, और आगे अपनी एल्बो को निकालिए बाहर और ट्विस्ट कीजिए, और अपना जो नमस्कार है ना ऐसे बनाना है, ऐसे दोनों एल्बो ऊपर नीचे वन लाइन, ठीक है, हाँ। और हिप को डाउन कीजिए, हिप को डाउन कीजिए आगे की तरफ, हिप डाउन, यस अभी 90 डिग्री आया, यस। और ट्विस्ट कीजिए अपर बॉडी को पूरा, शोल्डर को भी घुमाइए ऑपोजिट साइड, आगे लेके जाइए शोल्डर को नीचे आगे, हाँ यस, ठीक है। चलिए आ जाइए पोजीशन में, आ जाइए, ट्राई करें ट्राई करें। चलिए आएंगे नेक्स्ट पोजीशन, ले ले सभी, होल्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इनहेल कम अप एंड रिलैक्स, रिलैक्स करें लेग को, मैट पे वॉक करें, वॉक करें मैट पे, रिलैक्स करिए लेग को, रिलैक्स। अभी आप लोग रिलैक्स करें और देखें कि नेक्स्ट क्या करना है रिलैक्स करते हुए, ठीक है। प्रसारित पादोत्तानासन में कैसे करना है पहले पहले देख लीजिए, रिलैक्स कीजिए और देखिए।
दोनों पैर में तीन, ढाई से तीन फिट का, ज्यादा गैप नहीं करेंगे, ढाई से तीन फिट का गैप करेंगे, ठीक है। दोनों फुट आपके 90 डिग्री सामने रहेंगे। इनहेल एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी स्पाइन को 90 डिग्री ओवर बेंड करेंगे पहले, ठीक है। फिर इनहेल एक्सहेल करते हुए अपने दोनों एंकल पकड़ेंगे, एंकल पकड़ के अपर बॉडी को पुश करेंगे इनसाइड। फिर इनहेल आप एक्सहेल करके अपने राइट साइड दोनों हाथों से आपको राइट साइड अपनी एंकल पकड़नी है और अपर बॉडी को पुश करना है इनसाइड एंकल पकड़ के। फिर इनहेल सेंटर अंदर की तरफ जाइए, सेंटर में पहले पहले सेंटर में अंदर की तरफ जाना है। इनहेल आप एक्सहेल अल्टरनेट, मतलब एक बार लेफ्ट साइड सेंटर राइट साइड सेंटर, ठीक है, अल्टरनेट करेंगे। लेफ्ट राइट सेंटर में करना ही है हर बार, अंदर की तरफ अपनी बॉडी को पुश करना ही है हर बार। हेड टच नहीं होगा, हेड टच नहीं करना है अभी। ज्यादा से ज्यादा अपनी लोअर बैक से आगे की तरफ झुकेंगे और अपनी बॉडी को अंदर की तरफ पुश करेंगे, स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। हेड टच करने की कोशिश मत कीजिएगा, खाली एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो पहले सेंटर देन राइट सेंटर देन लेफ्ट, हर एक बार अपनी एंकल को पकड़ना है। सेंटर में है तो दोनों हाथों से दोनों एंकल को पकड़ना है, राइट में है तो दोनों हाथों से राइट एंकल को पकड़ना है, और हेड टू नी टच नहीं करना है। हेड टू नी टच नहीं, वो पार्श्वोत्तानासन हो जाता है। हेड टू नी नहीं करना है, बॉडी को इनसाइड पुश करना है राइट साइड, ओके। चलिए, तो आपको वो स्ट्रेच फील होगा, अगर आप हेड टू नी टच करेंगे तो वो स्ट्रेच अलग होगा, वो फील नहीं होगा। अंदर की साइड बॉडी जाएगी तो आपकी जो हिप है ग्लूटिस मसल वो स्ट्रेच होगी, जो साइड आप अंदर जाएंगे उसमें, ओके। चलिए पहले मिडल में आ जाएं। इनहेल एक्सहेल 90 डिग्री फोर बैंड, होल्ड योर एंकल, एंकल होल्ड करें। इनहेल एक्सहेल करते हुए अपर बॉडी इनसाइड पुश करें। इनहेल आप एक्सहेल राइट साइड, दोनों हाथों से अपने राइट एंकल को पकड़ें और अपर बॉडी को पुश करें इनसाइड। इनहेल आप इन सेंटर, इनहेल आप लेफ्ट साइड, इनहेल एक्सहेल। हेमा मैम एंकल को पकड़ के अपर बॉडी को पुश कीजिए इनसाइड। वन, कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। चलिए टू थ्री वो ही ना मैम, लेग नो डिस्टेंस थोड़ा ओछू करो। फाइव, बॉडी वेट अपना टोपे डालिए, हिप पीछे नहीं, हिप को आगे पुश करके। सिक्स, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रुकना नहीं। हेमा मैम दोनों दोनों हाथों से एंकल पकड़िए, हाँ जाइए अंदर जाइए, एल्बो को बेंड कीजिए। सेवन, एल्बो बेंड करके अंदर जाइए, एल्बो बेंड कीजिए, हाँ यस। एट, हाँ वैसे गुड। नाइन, कम ऑन, एंड टेन, राइट साइड होल्ड करें, फर्स्ट राइट साइड होल्ड करें, एंकल दोनों एंकल पकड़ के इनहेल एक्सहेल करें और राइट साइड होल्ड करें। नॉर्मल ब्रीथ, वन, एल्बो बेंड एंड पुश योर बॉडी इनसाइड। टू थ्री, हेड टू नी नहीं। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इनहेल आप अदर साइड पहले होल्ड करें, बाद में सेंटर में करेंगे। वन, नी स्ट्रेट करें हेमा मैम, एल्बो बेंड कीजिए, एल्बो बेंड। टू थ्री फोर, हेड टू नी टच नहीं करना है। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, सेंटर, लेग में डिस्टेंस बढ़ाएंगे नहीं, कोई भी नहीं बढ़ाएगा लेग में डिस्टेंस, नहीं बढ़ाएगा हेमा मैम, कम कीजिए, जब भी बढ़ाना है तभी नहीं बढ़ाते। चलिए इनहेल एक्सहेल पुश योर बॉडी इनसाइड, कमर कमर कमर, नी स्ट्रेट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, रिलैक्स रिलैक्स करें।
लेग रिलैक्स और ऊपर स्ट्रेच करो, लेग ने रिलैक्स करो ऊपर स्ट्रेच करो। अभी है ना आप जागृति मैम का पोस्चर देखे लेफ्ट और राइट में कैसे, आप लोग का पोस्चर अभी मैंने फोटो नहीं गिरा है ना जो दिखा देती थी, जागृति मैम का पोस्चर देखे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इनसाइड जाना है, वो कैसे होगा। आपका हेड टू नी टच लग रहा था, ठीक है। देखिए जागृति मैम दिखाइए लेफ्ट और राइट दोनों तरफ और सेंटर में भी दिखाइए, ठीक है। डिस्टेंस मेंटेन करें 2 से 2.5 फीट, ज्यादा नहीं करना है। हाँ देख लीजिए पहले जागृति मैम को, तो आपको ऑटोमेटिक उसका पोस्चर देख के पता चलेगा। देखिए इनहेल एक्सहेल, अभी फर्स्ट राइट साइड, दोनों एंकल आगे से नहीं पकड़ने हैं, अपने हाथ फिंगर्स पीछे अपनी पीछे रखनी है, ठीक है। अभी देखो बॉडी उसको हेड टू नी टच नहीं कर रहे हैं, वो इनसाइड पुश कर रहे हैं बॉडी को अंदर, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे थे, लेग के ऊपर हेड रख रहे थे, लेग के ऊपर नहीं रखना है हेड को, तो स्ट्रेच अलग आएगा, ये स्ट्रेच अलग आएगा, ठीक है। अभी दूसरी साइड जागृति मैम बताइए आपको पकड़ना कैसे, अपनी फिंगर है ना पीछे रखनी है अपनी एंकल पे, थंब आगे और पुश कीजिए। हाँ अभी इनसाइड पुश कर रहे हैं वो, अपने हेड अपनी नी के ऊपर नहीं रख रहे हैं, ठीक है। ये पोस्चर है, अभी सेंटर में देखिए, सेंटर में भी देख लीजिए एक बार, अपनी फिंगर्स पीछे ही रहेगी थंब आगे रहेगा, और एल्बो बेंड करके अपनी लोअर बैक से नीचे की तरफ एक्सटेंड करें अपनी स्पाइन को और पुश करें बॉडी इनसाइड, ठीक है। होल्डिंग नहीं करेंगे, एक बार आप खाली ट्राई करें आपको स्ट्रेच पता चलेगा, होल्डिंग नहीं करेंगे, एक बार लेफ्ट और राइट और मिडल में आप ट्राई अपने आप कीजिए, अपने आप खाली 2 सेकंड के लिए कीजिए, आपको पता चलेगा स्ट्रेच अलग से। हाँ लेफ्ट साइड या राइट साइड, एनी साइड करे, पहले लेफ्ट और राइट कोई भी साइड करे, हाँ ठीक है। करिए अंदर की तरफ पुश, हेमा मैम लेफ्ट पहले, लेफ्ट और राइट कोई भी साइड करे फिर मिडल करे, भरतीच ज्यादा पकड़े छे नीचे मत यार। जाइए हीना मैम, वधारे नीचे नहीं जाओ, अगर तुमने वारे वारे क्रैम्प आउट हुई ने आजे तो वधारे नीचे नहीं जाओ, फॉरवर्ड बेंड करो पर वधारे नीचे नहीं जाओ। मैम आगरतीच पकड़े छे यार, पीछे से पकड़ी। यस हाँ, यस करिए। हेमा मैम पहले अपनी बैक का हंच निकालिए, सामने देखिए और एल्बो बेंड कीजिए, हाँ हंच निकालिए, चेस्ट ओपन डाउन, यस यस यस। हिना मैम वधारे नीचे नहीं जाओ, खाली बॉडी अंदर पुश करो, नीचे नहीं जाओ वधारे, तो पण तमने स्ट्रेच मळशे, जरूरी नथी के वधारे नीचे जाओ, ई पछीनी वात छे, पण तोय स्ट्रेच मळशे। राइट अप, इन सेंटर एम हेमा मैम, एंकल होल्ड, एंकल होल्ड, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस कम कीजिए, नी स्ट्रेट कीजिए, हाँ एंकल होल्ड पीछे से, अपनी फिंगर्स पीछे थंब आगे, हाँ यस, एल्बो बैंड एंड डाउन, स्पाइन का हंच निकालिए, हंच निकालिए स्पाइन का, हाँ बॉडी को पुश कीजिए इनसाइड, यस यस ठीक है, नी स्ट्रेट ऊपर आ जाइए। लगा कुछ डिफरेंस स्ट्रेच में अपनी, जब आप ऐसे करते हैं ना तो आपकी ग्लूटियस मसल्स और हिप मसल्स में जो स्ट्रेच आता है ना, वो राइट साइड तो राइट साइड बहुत इंटेंस स्ट्रेच आता है, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड बहुत इंटेंस आता है, और अगर हम मिडल करते हैं तो दोनों साइड आता है, लेकिन वन साइड करेंगे तो ये वन साइड बहुत ही इंटेंस आएगा स्ट्रेच, ठीक है। चलिए बैठ जाए, बैठ जाइए, लाई डाउन, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, लाई डाउन कर लीजिए, पवन मुक्तासन करें, रिलैक्स करें अपनी बैक हिप, पवन मुक्तासन, हेड नीचे ही रहेगा, 1 2, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, हेड नीचे ही रखिए, ऑल्टरनेट लेग पवन मुक्तासन करें, लेग चेंज करते रहें, 1 2 3 4, एकदम आराम से कोई घाई नहीं, 5 पूरा
नी स्ट्रेट करें, 7 8 9 10 एंड होल्ड होल्ड 1 2 3 4 एमा में लेग को हवा में रखिए, अदर लेग हवा में, 5 नीचे वाला भी, हाँ 6 7 8 9 10 चेंज योर साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोलिंग रोलिंग फ्रंट एंड बैक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिगर 4 बनाए, दोनों हाथ शोल्डर लेवल और फिगर 4 बनाए। इनहेल एक्सहेल करते हुए नी जो आपकी बेंड है वो साइड बेंड करेंगे, साइडवेज डाउन करें, जो आपके ने लेग फोल्ड किया है वो नी नीचे, दोनों नीज नीचे लेने की, नहीं हेमा मैम ये साइड, हेमा मैम ये साइड, हाँ यस, 1 होल्ड करें, 2 दोनों नीज नीचे टच करने की कोशिश करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल अप लेग चेंज, इनहेल एक्सहेल करते हुए डाउन, लुक फॉर ऑपोजिट, दोनों नीज डाउन, 1 मैक्सिमम शोल्डर भी ऊपर नहीं उठना चाहिए, पाम्स डाउनवर्ड, पाम्स को अंदर नीचे की ओर रखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनहेल अप, 1 more time लेग चेंज लास्ट टाइम, डाउन नीज डाउन लुक अपोजिट, शोल्डर उठने नहीं चाहिए, दोनों शोल्डर डाउन नीचे रहने चाहिए, भले नी टच नहीं हो चलेगा, शोल्डर नीचे ही रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इनहेल अप एंड रिलैक्स, रिलैक्स इन शवासन, आईज क्लोज, डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स, मैट के जितना डिस्टेंस, टो आउटसाइड हील इनसाइड, पाम फेसिंग अप, बॉडी रिलैक्स्ड, माइंड रिलैक्स, कंप्लीट फोकस ऑन योर ब्रीथ। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, इनहेल डीपली एक्सहेल स्लोली, इनहेल डीपली एक्सहेल स्लोली, फोकस ऑन योर लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, योर लेग, योर टो इज रिलैक्स्ड, बॉटम ऑफ द फीट रिलैक्स, एंकल रिलैक्स, काफ रिलैक्स, नी कंप्लीटली रिलैक्स, थाई रिलैक्स, हिप्स टोटली रिलैक्स, लोअर एब्स रिलैक्स, अपर एब्स रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, मूविंग ऑन योर बैक, लोअर बैक कंप्लीटली रिलैक्स, अपर बैक
रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, हैंड्स रिलैक्स, पाम रिलैक्स, फिंगर्स रिलैक्स, रिस्ट रिलैक्स, एल्बो रिलैक्स, आर्म्स रिलैक्स, नेक रिलैक्स, थ्रॉट रिलैक्स, मूविंग ऑन योर फेस, योर फेस इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। नाउ होल योर एंटायर बॉडी एंड योर माइंड इज रिलैक्स्ड। योर माइंड एंड योर बॉडी इज कंप्लीटली रिलैक्स्ड। यू फील फ्रेश एंड रिलैक्स्ड। यू एंजॉय विथ योर रिलैक्सेशन, कंप्लीट रिलैक्सेशन, कंप्लीटली ब्रीदिंग, ब्रीद आउट, इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली, कंप्लीट रिलैक्स। रब योर बोथ पाम, मसाज योर फेस, टर्न ऑन लेफ्ट साइड एंड अग्निसार क्रिया करेंगे। दोनों हाथ अपनी नीज पे रखें, एल्बो वाइडली ओपन, बैक स्ट्रेट, इनहेल, एक्सहेल करके चिन को लॉक करेंगे एंड स्टमक इन आउट, ब्रीथ होल्ड करेंगे। इनहेल करके एक्सहेल किया, बाद में ब्रीथ को होल्ड करना है और स्टमक इन आउट करना है, ठीक है? चलिए 3 बार करेंगे, जितनी बार आपसे जितना मैक्सिमम हो सके उतना पेट को अंदर और बाहर करना है, ठीक है? बैक को पूरा स्ट्रेट रखेंगे, इनहेल, एक्सहेल, लॉक योर चिन, स्टमक इन आउट, होल्ड योर ब्रीथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, रिलैक्स रिलैक्स। नेक्स्ट, और एक बार 20 काउंट करेंगे अभी, ठीक है? इनहेल, एक्सहेल, जालंधर बंद, चिन लॉक, ब्रीथ होल्ड एंड स्टमक इन आउट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलैक्स। लास्ट टाइम 30 काउंट, जितना होता है करे, 30 काउंट करूंगी, जितना जिससे जितना होता है करे, ठीक है? अपनी कैपेसिटी के अनुसार करे, मैं 30 काउंट गिन रही हूँ। इनहेल, एक्सहेल, होल्ड योर ब्रीथ, स्टमक इन एंड आउट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स रिलैक्स। डीप इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, अनुलोम विलोम, राइट हैंड इन प्राणव मुद्रा, लेफ्ट हैंड इन ज्ञान मुद्रा, बैक स्ट्रेट, नेक एंड शोल्डर रिलैक्स, राइट थंब से राइट नोस्टल को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल,
स्मूथली इन एल एन एक्सहेल, पूरा फोकस अपनी ब्रीथ के ऊपर, अवेयरनेस के साथ अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को समझे और करेक्ट करे धीरे धीरे, जितना हो सके डीप इनहेल स्लो एक्सहेल, नो ब्रेक के साथ स्मूथली, ब्रीथ की आवाज नहीं आनी चाहिए, धीरे धीरे करेक्ट करें, योगिक वे ब्रीदिंग, थ्री वे ब्रीदिंग, जब आप इनहेल करते हैं धीरे धीरे, पहले स्टमक आपका बाहर, पेट फूलता है, चेस्ट एक्सपांड, देन शोल्डर, जैसे ही एक्सहेल धीरे धीरे करेंगे, पहले शोल्डर डाउन, चेस्ट इन, धीरे 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 पूरा स्टमक इन, ऐसे ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, समझ के कैपेसिटी के अनुसार करें, अपनी जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से धीरे धीरे करें, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और प्रॉपर से आप कर पाएंगे। समझ के अवेयरनेस के साथ करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है। प्राणायाम अगर आप कोई भी अवेयरनेस के साथ करेंगे, आपकी लंग्स की कैपेसिटी प्राणायाम से बढ़ती है, आपकी इनर जो भी अंदर की प्रॉब्लम है वो प्राणायाम से सॉल्व होती है। तो पूरा अवेयरनेस के साथ समझ के कर, फिर आपको खुद फील होगा, अपनी बॉडी को समझिए, आप ही अपनी बॉडी को समझ सकते हैं, अंदर क्या हो रहा है, बाहर हम देख सकते हैं, अंदर हम नहीं देख सकते, तो आप अपनी बॉडी को समझिए, एक बार समझ में आ जाएगी फिर आपका हर एक प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट से एक्सहेल करके रिलैक्स करेंगे, हैंड्स इन ए ज्ञान मुद्रा, बैक स्ट्रेट, नेक एंड शोल्डर रिलैक्स, आईज क्लोज, टेक अ डीप ब्रीदिंग ब्रीदिंग लास्ट टाइम ब्रीदिंग शांति 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 हरि ओम। मसाज यू पे प्लीज एंड नमस्ते, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण।